भाजुमो की युवा हुंकार रैली वीरभद्र सिंह की सरकार के खिलाफ चुनावी संकनाथ होगी। हुंकार रैली 22 सितंबर को कांगड़ा में होने जा रही है। रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रमुख वक्ता होंगे। जिला भाजुमो अध्यक्ष राकेश वालिया ने बताया कि हुंकार रैली में जिला मंडी से 6000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। जिला भाजुमो अध्यक्ष राकेश वालिया ने बताया कि 22 सितंबर को कांगड़ा हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंडी जिला से 6000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। बल विधानसभा सदर मंडल असरास मंडल से 1000 युवा भाग लेंगे। साथ ही द्रंग और जोगिंदर नगर मंडल से 1500 संख्या सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि युवाओं में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष पनपा है, जिसके विरोध में कांगड़ा में युवा हुंकार रैली निकाली जाएगी। वहीं राकेश वालिया ने बताया कि आने की व्यवस्था भी उचित तरीके से की गई है। उन्होंने धन संग्रह के माध्यम से गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। मंडी जिला से 22 तारीख को कांगड़ा में युवा हुंकार रैली में 6000 कार्यकर्ता यहां से भाग लेंगे। हर मंडल को संख्या दे दी गई है। बल विधानसभा से 1000 संख्या, सदर मंडल से 1000 संख्या, सिराज मंडल से 1000 संख्या, द्रंग और जोगिंदरनगर मंडल से 1500 संख्या उसमें रहने वाली है। युवा मोर्चा की तैयारियां ग्राम केंद्र के ऊपर, बूथ स्तर के ऊपर शुरू हो गई है। 577 बूथों के ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो 1 बूथ 10 यूथ बनाया है, वो कार्यकर्ता जो हैं इस रैली को लेकर जो उन्होंने कमर कस ली है। अभी आज भी हमारे ग्राम केंद्रों की बैठकें शुरू मंडी में जिला में हो गई है। हर विधानसभा में आज ग्राम केंद्रों की बैठकें हुई है। 1 बूथ 10 यूथ के लोग उसमें आ रहे हैं। युवाओं में प्रदेश सरकार के खिलाफ एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। नौजवान बेरोजगार युवा इकट्ठा होकर इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हम इसमें धन संग्रह पूरे मंडी जिला में कोष कमेटियां हमने बनाई है, जो कि ग्राम केंद्र तक कोष कमेटियां बनाई है, और वो ग्राम केंद्र स्तर के ऊपर जो है वो धन संग्रह शुरू हो गया है। और 22 तारीख को मंडी जिला के कार्यकर्ता उस रैली में भाग लेंगे। आने जाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पास अपनी गाड़ियां, पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास अपनी गाड़ियां, और इसके साथ जो हम धन संग्रह कर रहे हैं उससे हम गाड़ियां करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की, जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं उनके लिस्टें पूरे मंडी जिला में बनना शुरू हो गई है। हर बूथ स्तर के ऊपर, हर ग्राम केंद्र स्तर के ऊपर पूरे मंडी जिला में बनना